भी पॉजिटिव न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपनी धर्म यात्रा में आज मैं मौजूद हूँ कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध मंदिर दुखभंजन में। दुखभंजन मंदिर का अर्थ है दुखों को भंजन करने वाले भगवान शिव। कहा जाता है कि पांडवों ने महाभारत युद्ध से पहले यहाँ पर भगवान शंकर की स्थापना करके उनका आशीर्वाद लिया था। कहते हैं कि इस मंदिर में 40 दिन तक यदि कोई व्यक्ति दीपक जलाता है तो उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जानेंगे इसका इतिहास पुजारी जी से और चलेंगे दुखभंजन मंदिर में। आइए चलते हैं। दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ हैं दुखभंजन महादेव मंदिर के पुजारी जी। आइए इनसे बात करते हैं। बी पॉजिटिव न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पंडित जी। ये बताइए कि दुखभंजन मंदिर कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध है, पूरे देश में प्रसिद्ध है, इसका इतिहास क्या है? ये श्री दुखभंजन महादेव मंदिर बहुत प्राचीन काल से है, अनादिकाल से है। पहले ये मंदिर बहुत छोटा हुआ करते थे। जब छोटे मंदिर होते थे तो उसमें एक दो लोग ही अंदर प्रवेश किया करते थे, और प्रवेश करने के बाद जब वो व्यक्ति बाहर पूजा करके निकलते थे जबी दूसरे लोग ही इसके अंदर एंट्री करते थे, प्रवेश करते थे। अब जैसे जैसे विस्तार बढ़ता गया तो मंदिर का भी उद्धार हुआ, मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। पहले बहुत पुरातन था, छोटा मंदिर था, अब बहुत बड़ा विस्तार दे दिया हमारे श्री ब्राह्मण तीर्थोद्धार सभा वालों ने। अब इस मंदिर में इनका नाम भी श्री दुखभंजन महादेव मंदिर है, क्योंकि जथा नाम तथा गुण, जैसा इनका नाम है उससे इनके गुण भी हैं। इनका नाम है दुखभंजन महादेव तो ये दुखों को हरण करते हैं। जैसे कुंवारी कन्याएं हैं, उनका विवाह समय पर नहीं होता है, और जिनके पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, जिनके रोग दोष हैं, मनोकामनाएं हैं ऐसी और भी अंदर से जो प्रकट नहीं की जा सकती हैं, वो यहाँ पर आकर अपने मन में संकल्प लेकर और चालीसा का भी रखते हैं। श्रावण मास में 40 दिन यहाँ पर हाजिरी लगाते हैं, सुबह शाम आकर जोत जलाते हैं, शिव चालीसा पढ़ते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पूर्ण होने के बाद भी यहाँ पर लोग देवाधिदेव महादेव जी का रुद्राभिषेक करके पूजन कराते हैं, फिर भंडारा देते हैं, जो जिसकी जितनी हैसियत होती है उसके अनुकूल यहाँ पर लोग करते हैं। कुछ लोग घंटियाँ चढ़ाते हैं, कुछ लोग झंडे चढ़ाते हैं, और देवाधिदेव महादेव जी की पूजा करते हैं। और ये है भी, ये पुरातन है मंदिर, और सनेह सरोवर के पूर्वी तट पर स्थित है। तो जो हमारे प्राचीन सरोवर है उसके तट पर स्थित है, इसलिए इसका और भी महत्व बढ़ जाता है। तो इसलिए यहाँ पर बड़ी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बड़े दूर दूर से लोग आते हैं, गांव के लोग भी आते हैं, शहर के भी आते हैं, और दूर दूर से भी लोग आते हैं जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, तो वो यहाँ पर आकर मत्था टेकते हैं, प्रसाद लगवाते हैं और सभी को प्रसाद वितरण करते हैं। पुजारी जी, ये बताइए कि महाभारत कालीन मंदिर है, क्या इसका पुरातन स्वरूप वैसे का वैसा ही है जैसा महाभारत कालीन में होता था? नहीं, थोड़ा सा इसमें विस्तार किया गया। जैसे एक तो मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया, मंदिर का विस्तार लिया गया आजकल के ज़माने के अनुकूल, और दूसरा शिवलिंग जो पुरातन था वो बीच में से लोगों के जल चढ़ाते चढ़ाते वो उसमें थोड़ा सा खंडित स्वरूप होने लगा था, तो उस शिवलिंग को नीचे, इसी शिवलिंग के नीचे रखा गया है ये नया शिवलिंग। नर्मदा जी से, जो हमारे नर्मदा के कंकड़ सब शंकर माने जाते हैं, तो नर्मदा जी से जबलपुर से बेड़ा घाट से इनको लाया गया था, और यहाँ पर बड़े धूमधाम से बड़े प्रतिष्ठित करके ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रोच्चारण करके और प्राण प्रतिष्ठा किया गया है उसी शिवलिंग के ऊपर। आप ये बताइए कौन से विशेष दिन होते हैं जब मंदिर में पूजा अर्चना की जाती है? भगवान के तो विशेष दिन तो सभी हैं। जिस दिन मन चंगा हो तो कहते हैं कठौती में गंगा, उसी दिन गोता लगा लेना चाहिए, लेकिन विशेषकर सोमवार का दिन देवाधिदेव महादेव जी का विशेषकर है। श्रावण मास में, और हमारे ये मार्गशीर्ष मास है, और माघ मास है, इन महीने में देवाधिदेव महादेव जी का पूजा का विशेषकर महत्व हो जाता है। एक भगवान देवाधिदेव महादेव जी ही हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं देवताओं में, सभी देवताओं में बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं, कि यही देवता ऐसे हैं कि इनके अंदर देखो जल भी चढ़ता है, फल फूल बेल पत्ते भी चढ़ते हैं, पत्ते भी चढ़ते हैं, बहुत सरल देवता हैं। तो भगवान भोलेनाथ जी बहुत जल्दी वरदान भी देते हैं, अपनी सोने की लंका भी दे दिया था दान में ब्राह्मणों को, और स्वयं जाकर शमशान घाट में वास किया। तो ये देवाधिदेव महादेव हैं और मनोकामनाएँ पूर्ण करते हैं। यहाँ पर लोग
बड़े उल्लास के साथ बड़ी मनोकामना लेकर आते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज आप देख भी सकते हैं, आज अभी भी हमारे यहाँ भंडारा विशाल चल रहा, जो 10 बजे प्रारंभ हुआ था और अभी भी उसका चल रहा, भी समापन नहीं हुआ। भी पॉजिटिव न्यूज़ से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा दोस्तों, दुखभंजन मंदिर का जो इतिहास है वो पुजारी जी के द्वारा बताया गया। ये मंदिर महाभारत कालीन पुराना है, यहाँ पर भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है और ये पुरातन से ही चला आ रहा है। आप भी दुखभंजन मंदिर में जरूर आएं, दर्शन करें और कुरुक्षेत्र के इतिहास के इस पुरातन मंदिर की छवि को देखें और समझें। बी पॉजिटिव न्यूज़ के लिए नगेंद्र शर्मा।